नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एच पी अमित एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में यमुना रिवर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है हमारी लाइव क्लास की क्लिप है, उसमें हमने डिटेल में आपको जो यमुना रिवर के बारे में बताया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास की क्लिप है, ये आपको पसंद आएगी। तो आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं। न्यू टॉपिक मीन्स की फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, 20 का टॉपिक मैंने लिया है। बाकी जो हमने फाउंडेशन में शुरू किए थे उन टॉपिक को भी कवर करेंगे, बट आज हमने बड़ा टॉपिक लिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से पार जो आपके यहाँ से क्लियर होंगे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको ही उठाया है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी जस्ट थोड़ा सा बेस देखा कि मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। यही इनका हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी सतलुज सबसे बड़ी है, ब्यास उसके उससे छोटी, रावी उससे छोटी, चिनाब उससे छोटी और सबसे छोटी यमुना। ये जो ऊपर की मैंने पहली 4 बताई, ये सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है, मीन्स कि आगे चलकर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और जो यमुना है ये गंगा नदी तंत्र का पार्ट है। ठीक है, रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये बड़ी नदियां हैं, इनमें जाकर जो है ये मिलती हैं। 2 मैंने आपको और यहाँ पर बताई जो स्थानीय नदियां हैं, स्वान रिवर और मार्कंडेय नदी। मार्कंडेय सिरमौर में है और स्वान नदी जो है वो ऊना में। सिर्फ इतना सा हमने किया। सबसे छोटे से हम शुरू कर रहे हैं कि सबसे छोटी नदी यमुना है, और जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। तो आपको ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ जो यहाँ पर यूज होगा यमुना में। सबसे पहले आपका मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ड्रॉ किया, किन्नौर, किन्नौर से नीचे आपका आता है शिमला। ठीक है, और लास्ट जो आपका है वो है सिरमौर। इसी तरीके से अगर आपने हिमाचल प्रदेश का मैप देखा है तो सिरमौर सबसे दक्षिण में जिला है, सिरमौर, शिमला, ठीक है, और किन्नौर। आपसे कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वोत्तर नदी कौन सी है, तो वो यमुना है, क्योंकि ये पूर्व से निकलती है और सबसे पूर्व साइड की है। ठीक है, यमुना कहां से निकलती है, यमुना का ओरिजिन क्या है? जी सिरमौर, बिल्कुल ठीक। यमुना का ओरिजिन क्या है आप बताएंगे, कहां से निकलती है यमुना? बताएगा कोई? उत्तराखंड से। ओके, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, सुना आपने कि यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है। ओके, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्लास में, कोई बात नहीं। यहां पर आपका उत्तराखंड पड़ता है, यूके पड़ता है, बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड की गढ़वाल घाटी लगती है। जब हम अपने हिमाचल की बात करेंगे तो उसके साथ जो है ये इनकी गढ़वाल घाटी जो है वो टच करती है। ठीक है, इस तरफ। गढ़वाल की पहाड़ियां भी बोलते हैं, गढ़वाल की घाटी भी है, घाटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे पासिस के टॉपिक में पूरा। गढ़वाल की घाटी यहाँ पे लगती है, ठीक है, उत्तराखंड की, और यहाँ पर जो है एक पर्वत आपका पड़ता है, कौन सा? कालिंद पर्वत। आपने नाम सुना है कि यमुना का जो वैदिक नाम है, वैदिक नाम है वो क्या है? कालिंदी है। ये सारे अपने पढ़े हैं। संस्कृत नाम जो है वो यमुना का कोई भी नहीं है, वैदिक नाम कालिंदी है और संस्कृत नाम कोई नहीं है। अन्य नाम भी बहुत हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ये जो कालिंद पर्वत है, ठीक है, कालिंद पर्वत
के साथ या नीचे जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री क्या एक ताल है, झील है, ठीक है, और उसके साथ में छोटी छोटी ताल्स और भी हैं। एक हम वर्ड यूज करें तो मैं सप्त ऋषि कुंड भी यहां पर यूज करूंगा, ठीक है, यमुनोत्री के साथ मैं एक सप्त ऋषि कुंड भी यूज करूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यमुनोत्री से ना कर सप्त कुंड कुंड से आ जाता है, ठीक है। और सप्त ऋषि कुंड की जो ओरिजिन है यमुना का वो कहां से है, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो पर्वत होते हैं पर्वतों के ऊपर ही बर्फ पड़ती है और उन्हीं को हम ग्लेशियर भी बोलते हैं, तो ग्लेशियर अलग कंसेप्ट है, पर्वत अलग कंसेप्ट है। तो जो पर्वतकालीन पर्वत है इसके ऊपर जो ग्लेशियर है यहाँ पर, जिसके ऊपर जो बर्फ का पानी नीचे बहता हुआ कहाँ पे आता है, यमुनोत्री में आता है, तो उस पर्वत को हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चंपासर पर्वत, ठीक है, चंपासर ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है, उस ग्लेशियर का पानी होते हुए ये यमुनोत्री में जाता है, ठीक है। सप्त ऋषि कुंड भी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, छोटी छोटी ताल हैं ये वाली, तो इससे जो है फिर जो आपकी यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री से बहते हुए फिर जो ताल है यहाँ से आपकी यमुना निकलती है, यहां से निकली और कहाँ पे बहती हुई जा रही है, ये सिरमौर को टच करती हुई बाउंड्री के ऊपर, ये कहाँ पे निकल जाती है, एचआर में निकल जाती है, एचआर मीन हरियाणा में जाती है, ये भी सुना आपने, ये सारा बुक में अवेलेबल भी है। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा थोड़ा सा समझे, थोड़ा थोड़ा सा समझे जो मैंने करवाया, कि कालीन पर्वत जो पर्वत है, ठीक है, पर्वत के ऊपर ग्लेशियर भी है, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। एक कंसेप्ट आपको मैं और छोटा सा बता रहा हूँ यहाँ पर, जो ग्लेशियर, देखो जो पर्वत आपके होते हैं, जैसे जो भी आपके माउंटेन होते हैं, वो एक सिंगल नहीं होते हैं, ये किसी रेंज में होते हैं, मान लो इसके पीछे और बहुत से भी पर्वत हैं, उनमें से एक पर्वत था कौन सा, कालीन पर्वत, तो वहां से जो है यमुना का ओरिजन होता है, ठीक है। तो जो गढ़वाल घाटी है वहां पर और भी जो पर्वत हैं छोटे छोटे, जिनको हम मैसिव बोलते हैं, बंदरपूछ बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हम इनको बोलेंगे, तो बंदरपूछ घाटी भी यहां पर पड़ती है, ठीक है, बंदरपूछ मैन को हम लेते हैं सभी को, ये इंग्लिश में मैसिव बोलते हैं, उनमें से एक पर्वत जो है वो कालिंद है, तो वहां से जो ओरिजिन इसका हुआ है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये आती है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का स्थान है कौन सा, जहां पर यमुना एंटर करती है, खादरी माजरी, ये भी नाम आपने सभी ने सुना है, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूं, और बुक में आपको एक नाम और मिलेगा, सहस्त्रधारा। तो क्वेश्चन दोनों से हो सकता है कि यमुना नदी जो है सिरमौर में कहां से एंटर करती है, तो खादरी मंजरी भी हो सकता है, सहस्त्रधारा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि कहां से एंटर करती है, और जो छोड़ने का स्थान है इसका हिमाचल को, वो कौन सा है, ताजेवाला, समझ गए। इसके साथ साथ कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं, जैसे यमुना का जो वैदिक नाम है कालिंदी है, आप में से सभी टीजीटी हैं, टीजीटी मैं आप में से कोई एमए भी होंगे, मास्टर्स भी होंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि वैदिक नाम और संस्कृत नाम में क्या डिफरेंस होता है। बताएंगे वैदिक नाम और संस्कृत नाम में क्या डिफरेंस है।
जो हम वेदों के टाइम यहाँ पर यूज करते थे, ठीक है, जिसे वैदिक संस्कृति थी, जिसको हम वेदों के टाइम में यूज करते थे, जहां पर नदियों के नाम भी अलग अलग थे, ठीक है। जैसे मैं चिनाब नदी की बात करूं, उसका कृष्णा नदी के साथ संबंध था, ठीक है। तो वैसे ही सभी नदियों के कुछ अलग अलग वहां पर नाम थे। तो वैदिक संस्कृति में जो वेदों के टाइम हम यूज करते थे, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो आपकी एक लौकिक संस्कृति बन गई, जैसे जो लेटेस्ट नाम थे वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो यही थोड़ा सा कॉमन सा बेसिक डिफरेंस है। बाकी आप अगर आप खुद मास्टर्स हैं, ठीक है, मास्टर एमए में है या संस्कृत में, तो आप इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। जी, जो वेदों के लिए यूज करते थे, ठीक है, वैदिक संस्कृति। उसके बाद फिर टाइम चेंज होता गया तो लौकिक संस्कृति बनी। बाकी भी संस्कृत से ही कम और भी लैंग्वेज बनी हुई है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वैदिक नाम ये है इनका, संस्कृत नाम ये है। तो वैदिक नाम कालिंदी था, और यमुना को एक और नाम से बोलते हैं, जैसे अन्य नाम मैं लिख रहा हूं, कालिंजा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जनपद थे, प्राचीन समय में जनपद थे शिमला, सोलन और सिरमौर। जनपद थे, ठीक है, ये प्लेस थे। ये हम जनपद जैसे रियासतें थी ना, जैसे रियासतें होती थी जनपद होते थे, ये अलग अलग वर्ड हैं। इसे राजाओं का इनके ऊपर जैसे रूल होता था, तो ये कुलिंद जो जनपद था उसके अंतर्गत ये प्लेस आते थे, शिमला, सोलन, सिरमौर, कुलिंद के अंदर। तो उसके नाम के थ्रू भी आप बोल सकते हैं कि यमुना का नाम कालिंदी पड़ा हुआ है, ठीक है, कुलुंद कुलिंद के नाम के अंतर्गत ये आते थे। तो उस तरीके से आप इसको इसके साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। अन्य नाम मैं आपसे मैं और डिस्कस करूं तो बोलते हैं कि यमुना का संबंध जो है वो सूर्य के साथ भी है। ये भी आपने सुना है, ये भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो सूर्य के साथ यमुना का क्या संबंध है? सूर्य के साथ यमुना का क्या संबंध है, बताएगा कोई? सुना है ना आपने, सुना है मींस की बुक में पढ़ा है आपने कभी कि सूर्य के साथ यमुना का लिंक है। सूर्य कन्या भी बोलते हैं यमुना को, सुना है आपने? कन्या का मतलब क्या होता है, पुत्री। सूर्य के साथ संबंध की हम बात करेंगे तो जो यमुना है वो क्या, सूर्य की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। और यमी नाम भी है, यमी नाम भी आपने आई थिंक बीच में सुना होगा या फिर हो सकता है कि नहीं सुना हो। यमी भी जो है यमुना को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यमराज की बहन भी है। ठीक है, अगर यमराज की बहन हुई तो यमराज सूर्य का क्या हुआ, पुत्र हुआ, ठीक है। तो प्राचीन समय में बोलते हैं कि सूर्य जो है वो यमराज के ऊपर किसी बात के ऊपर राज हो जाते हैं और उनको जो है वो यहाँ पर वो श्राप दे देते हैं। तो उस श्राप से बचाने के लिए यमुना जो उनकी हेल्प करती है, ठीक है, वो तपस्या करती है और यमराज को उनसे प्रकोप से, सूर्य के प्रकोप से बचाती है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो भैया दूज का जो त्योहार होता है, आप हम सभी मनाते हैं उसको, भाई दूज हम बोलते हैं, तो उसका लिंक बोलते हैं कि यहीं से है, ठीक है, कि भाई बहन की रक्षा का प्रतीक हम मानते हैं। सभी जानते हैं आप में से भैया दूज क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो है भाई और बहन की रक्षा का प्रतीक है। तो यहीं से जो ये कंसेप्ट भी निकला है। और एक और अन्य नाम की बात मैं करूं तो यमुना को अष्टभार्या भी बोलते हैं, ठीक है। आप पर्यायवाची सब मान लो, ये यमुना के नाम मान लो, ये कुछ अन्य नाम हैं जो आने वाले टाइम में आपको बुक्स में एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अष्टभार्या मीन्स आप जानते हैं कि कृष्ण की कितनी रानियां थी, कृष्ण की कितनी रानियां थी,
आप में से कोई बताएगा कृष्ण की कितनी रानियां थी? नहीं बता, कोई बात नहीं, 16,000 समथिंग कुछ रानियां थी उनकी, ठीक है, 16,000 समथिंग रानियां थी। तो उसमें से 8 जो उनकी प्रमुख रानियां थी, ठीक है, 8 जो है प्रमुख रानियां थी श्री कृष्ण की, उसमें से एक यमुना भी थी, तो इसलिए इन्हें अष्टभार्या भी बोलते हैं, समझ गए? तो ये सारे नाम जो है वो यमुना के हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यमुना की जो लेंथ है टोटल लेंथ, वो 1525 किलोमीटर है, ठीक है, बट जब हम हिमाचल के पर्पस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 22 किलोमीटर है, समझ गए? कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र, यमुना का 2320 वर्ग किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया आप समझते हैं कि क्या होता है, ये जो आपकी मुख्य नदी है उसके साथ बहुत से छोटे छोटे नदी नाले आकर मिलते हैं, ठीक है, जो वो एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है, मींस कि जो जिस एरिया से होकर आते हैं, जो बड़ी नदी में आकर मिलते हैं, इस जगह को हम जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और जल ग्रहण क्षेत्र, जल क्या बोलते हैं उसको, जल घनत्व, वाटर डेंसिटी, उसका मतलब क्या, वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कितना पानी जो उसके अंदर है। जैसे हम चिनाब की बात करें तो जल घनत्व की दृष्टि से वो सबसे बड़ी नदी है, मीन्स कि कम एरिया में ज्यादा उसके अंदर जो है वो पानी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर डेंसिटी। तो ये कैचमेंट एरिया के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ और भी वरुण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि यमुना का बेसिक क्या बनता है, ठीक है, अगर नो डाउन आप करना चाहें तो नो डाउन इसको कर सकते हैं कि यमुना जो है वो सिरमौर से होते हुए जाती है, क्या उसके नाम है वो भी है, मैंने आपको बता दिया, और कौन से वरुण पॉइंट बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब बचता है यमुना की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। सहायक नदियां यहां पे मैं बना रहा हूं, इसमें बना देता हूं, एक है रूपिन जो किन्नौर से आती है, जलधारा रूपिन है, ठीक है, रूपिन जलधारा, और एक है सुपिन जो कि गढ़वाल से ही आती है, सुपिन। क्या बोलेंगे इसको, सुपीन। रूपीन और सुपीन जहां पे आपस में मिलती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ये भी बुक में अवेलेबल है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, नेतवार बोलते हैं। जहां पर रूपीन और सुपीन आपस में मिलती हैं उसको नेतवार बोलते हैं, और यहीं पे जो है आपकी टोस नदी का निर्माण होता है जहां पर रूपिन और सुपिन मिलती हैं नेतवार में। आगे चलकर क्या बन गई, ये टोंस नदी बन गई। टोंस नदी जो शिमला के तट के ऊपर बहती हुई जाती है, ठीक है, और फिर बहती हुई आगे ये आगे चलकर ये खादरी मांजरी के पास ही जो यमुना में मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो दो सहायक नदियां, टोंस
टोंस नदी की होगी, ठीक है, टोंस नदी यहाँ पे बन गई, टोंस नदी, ठीक है। शिमला से भी यहाँ पर नदियां निकल के आती हैं, नदियों की जलधारा आती हैं, जैसे ये है पवर नदी, पवर रिवर, इसके बारे में भी आपने सुना है कि पवर नदी को चंदन नाहन झील से जो पानी मिलता है, जो कि कहाँ पे, शिमला में है, चांसल चोटी से पानी आता हुआ वो चंदन नाहन झील में जाता है, उसके बाद पवर नदी का जो उद्गम वहीं से होता है, ठीक है। तो जैसे ये मिल जा आगे की तरफ जा रही है तो उसमें भी सहायक नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां मीन्स ये वाली मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, जो पवर नदी की सहायक नदियां हैं वो है पटसरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, पटसरी आप नोट डाउन कर लें, पटसरी तो लिखो भाई, और आंध्र नदी, आंध्र नदी, समझ गए, पवन नदी की दो सहायक नदियां कौन सी है, पटसरी और आंध्र नदी। एक गिरी नदी है जो कुप्पर चोटी से निकलती है, जुब्बल के पास जो कुप्पर चोटी है वो सीधा ही यहां पर आकर सिरमौर की तरफ चली जाती है, ठीक है, और पौंटा साहिब के पास एक जगह पड़ती है, पौंटा साहिब भी मुख्य तौर पर बोलेंगे मुकामपुर, वहां पर जो है ये यमुना से मिल जाती है, कौन सी, गिरी नदी, गिरी नदी, ठीक है। गिरी नदी का मैं अभी बना रहा हूं, इंजेस्टर तो नहीं है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक दिख रहा है, समझ रहे हैं जो आपको मैं बता रहा हूं वो समझ रहे हैं, ओके। गिरी नदी मैंने कहा कि कुप्पर चोटी से आती है, गिरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं जलाल नदी और असनी नदी, एक जलाल नदी है और एक असनी नदी है, ठीक है, आप बोल सकते हैं ऐसे, जो यहां पर आकर मिलती हैं, ये जो भी आपको हम बताएं जस्ट एक तरह की अजम्पशन है, इस तरीके से जो इनकी लोकेशन बनती हैं, ठीक है, कि आप जो है अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन किस किस हाइक नदी है, बाकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसी होती है वो हमें भी नहीं पता, बट थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके से जो आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो गिरी नदी की दो सहायक नदी मैंने आपको बता दी, पवर की बता दी, पवर की दो जो मैंने बताई वो थी आंध्र नदी और पटसरी, और गिरी की जलाल और असनी, ठीक है, और टोंस की रूपिन और सुपिन। तो ये सारी नदियां जो हैं कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं आप, यमुना की सहायक नदियां बोल सकते हैं, जैसे टोंस किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदी भी है, क्यों, क्योंकि यमुना जो आगे चलकर कहां पे मिलती है, गंगा में मिलती है, ठीक है। तो यमुना जो है सबसे बड़ी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की, तो टोंस भी आप बोलेंगे कि गंगा की सहायक नदी भी, यमुना छोड़कर हरियाणा में जाती है, हरियाणा के बाद दिल्ली में जाती है, उसके बाद यूपी में जाती है, ठीक है, और यूपी में ही गंगा के साथ मिल जाती है, ठीक है, गंगा के साथ यूपी में यमुना का मिलन हो जाता है, वो जो जगह पड़ती है वो इलाहाबाद पड़ती है, ठीक है। तो जितनी भी नदियां आपको बताई वो सारी किसकी सहायक नदियां हुई, बेसिक तौर पर यमुना की सहायक नदियां हुई। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई है कि जो जितनी बार मैंने ये नाम लिए हैं बार बार, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये नदी तंत्र किसका बनता है, यमुना का बनता है, ठीक है, कि नदी यमुना की जो है क्या है, कहाँ से निकलती है,
कौन सी इसकी सहायक नदियां, क्या इसके नाम हैं, तो ये कुछ बेसिक यमुना से बनता है।